साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भाई ओमान मस्कत से रिलेटेड नई अपडेट, कोरोना वायरस में गवर्नमेंट ने या फिर इंडिया की तरफ से क्या चल रहा है इसके रिलेटेड अपन बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा साथियों वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको अच्छी 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 कंट्रियों से रिलेटेड सही जानकारी मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं साथियों ओमान मस्कत से रिलेटेड। अगर आप मस्कत में जॉब कर रहे हैं या फिर इंडिया से जाना चाहते हैं, आपको पता भाई कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ चौपट हो चुका है, पूरे वर्ल्ड पर प्रभाव है, तो ओमान मस्कत भी अछूता नहीं है। वहाँ की बात करें जनसंख्या बहुत कम है, इस वजह से वहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो 331 अभी तक पहुंच चुके हैं, जिसमें से दो बंदों की अभी डेथ हुई है, यानी दो बंदे अभी तक इस बीमारी से मर चुके हैं, जिसमें से रिकवर हुए हैं वो 61 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। ये तो कोरोना वायरस से अपडेट से रिलेटेड है कि कौन सी कंट्रियों में कितना क्या प्रभाव कर रहा है। अभी आपको पता भाई लॉकडाउन ही एकमात्र ऑप्शन है हर कंट्री के पास जो इस बीमारी को रोक सके। तो लॉकडाउन आपको पता है ओमान में भी चल रहा है, सब कुछ बंद है ओमान में, जिसमें आपका कंपनी, आपका जॉब, आपका ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो भी जो दैनिक दिनचर्या में अपने काम आने वाली चीज़ें सब कुछ बंद है। इमरजेंसी सेवा को छोड़ में, जिसमें आपका मेडिकल हो जाता है या फिर आपका फूड से रिलेटेड खाने का सामान, वो आपका डिलीवरी वाला वो सिस्टम ऑन है, बाकी सब कुछ बंद है। सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं और जो कंपनियां बंद हैं, तो गवर्नमेंट के सख्त आदेश हैं कि कुछ नहीं होने वाला। 15 अप्रैल तक तो कम से कम ओमान में कुछ होने वाला नहीं है। अगर 15 अप्रैल के बाद कोई अपडेट आती है तो मैं बताऊंगा आपको। अभी की बात करें फ़्लाइट से रिलेटेड, मेरे पास लोगों के मैसेज आते रहते हैं ओमान में, हालाँकि इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी आते हैं। ओमान में भी अपने इंडिया के 8-10 लाख लोग वर्कर ज़्यादा ही काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ साथियों ओमान में फ़्लाइट अभी बंद हैं, इंडिया की तरफ से भी बंद हैं और वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैन है। नहीं तो इधर से उधर जा सकता, नहीं उधर से इधर आ सकता। ये एक कोरोना वायरस को रोकने का मात्र जरिया होने की वजह से। अब आगे बात करें साथियों कि बहुत सारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या है, क्योंकि भाई यहाँ वहाँ जाते हैं सब कमाने वाले। अगर आप ओमान में विजिट वीज़ा में गए हैं, चाहे आप घूमने के लिए गए हैं, चाहे आप वर्क परमिट वीज़ा में गए हैं, चाहे आपका रेजिडेंशियल वीज़ा हो, किसी भी तरह का आपका वीज़ा वहाँ पे है, ठीक है, वो एक्सपायर होने की कगार पे है या एक्सपायर हो चुका है, लॉकडाउन होने की वजह से आपकी मजबूरी है कि आप उसको रिन्यू नहीं करवा सकते, आप बैठे हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम क्लोज है। तो भाई देखिए डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है और उसका कर्तव्य होता है कि वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो कुछ राहत देती है। तो 100% आपका इसमें जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो वहाँ आप चाहे तो ऑनलाइन अपने आवेदन वहाँ पे ओमान में कर सकते हैं, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है उस पर, आगे जो लॉकडाउन ओपन होगा तो मैं बताऊँगा आपको, या फिर आप वहाँ पे जाके आपका जो भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट आप रिन्यू वीज़ा करवा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली नहीं बात होगी, नहीं आपका फ़ाइन लगेगा, नहीं आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, नहीं आपका जॉब जाएगा, नहीं आपका वीज़ा जाएगा, ठीक है। ये तो रही ओमान में जो काम जो रह रहे हैं उनकी बात। अभी बात करते हैं इंडिया में, जो मान लीजिए आप विजिट, आप छुट्टी आए थे ओमान से कि भाई चलो 4 महीने का वीज़ा है, 2 महीने 3 महीने आप इंडिया रह के वापस जाते हैं, वो वापस नहीं जा सके, उससे पहले लॉकडाउन लग गया तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा 100%, ठीक है। दूसरी बात उनकी करेंगे जो विजिट वीज़ा या उनके पास था कि भाई हम ओमान जाने वाले हैं, अचानक से लॉकडाउन लग गया इस कोरोना की वजह से। तीसरे वो हैं जिनका वीज़ा वर्क परमिट आ चुका था इंडिया में, पासपोर्ट में लग चुका था, जिनको फ्लाइट करनी थी ओमान के लिए, वो भी इंडिया में रह गए। तो दोनों तरफ से हैं, कुवैत ओमान वाले ओमान में और इंडिया वाले उधर से इधर, उधर से इधर नहीं जा सकते। तो दोनों के लिए ऑप्शन है ये आपका, जैसे इंडिया में कोई भी तरह का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, चाहे विजिट हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे आप छुट्टी आए हो, आपका वीज़ा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को रिन्यू करना होगा और ये गवर्नमेंट जो लॉकडाउन ओपन होने के बाद प्रोसेस में लाएगी। अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने कोई अपडेट नहीं दिया है, बाकी वीज़ा की तरफ से निश्चिंत रहिए, आपका वीज़ा 100% रिन्यू हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात फ्लाइट की, तो फ्लाइट भाई
30 अप्रैल से पहले नो चांस, आप दिमाग से निकाल के बेफिक्र होके वहाँ के वहाँ बैठें, इंडिया के इंडिया में बैठें, कहीं आने जाने के सपने छोड़ दीजिए 30 अप्रैल से पहले। और हो सकता है अगर ये केस बिगड़ गया तो भाई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी उम्मीद करिए ऊपर वाले से कि 30 अप्रैल तक सब कुछ ठीक हो जाए। ये अपडेट मेरे पास थी, आगे मेरे पास जैसी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि साथ में बेल आइकन दबा के ताकि हर रोज़ अच्छी अच्छी जानकारी ओमान से रिलेटेड आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।